देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेखजुई। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। कृषि मंत्री क्रोहीलाल मीना के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए वाले बयान पर जंग छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्रोहीलाल मीना को अपने बयान पर कायम रहना चाहिए, नहीं तो जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। गौरतलब है कि मतगणना से पहले क्रोहीलाल मीना ने घोषणा की थी कि अगर बीजेपी 200 सीट से हारती है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब जीते हुए सांसद जयपुर में अपने अपने प्रदेश कार्यालय पहुंचने लगे हैं। वे अपने प्रदेश नेतृत्व से अपने कार्यकाल को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसे में आज जयपुर स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में कई कांग्रेस के जीते हुए सांसद पहुंचे, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी का स्वागत किया। सीकर सीट से सांसद बने कॉमरेड अमराराम आज जयपुर स्थित कांग्रेस वॉर रूम में पहुंचे, जहां पर पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए अमराराम ने कहा कि सीकर सहित संपूर्ण शेखावटी को जल्द ही यमुना का मीठा पानी मिलेगा। कॉमरेड ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों तक कुशासन किया है। लिविन में रहने वाला एक युवक आज पुलिस एसपी हनुमानगढ़ के समक्ष पेश हुआ और युवती के परिजनों पर मारपीट कर युवती का अपहरण कर ले जाने के आरोप लगाए। युवक का कहना है कि सुरक्षा की मांग को लेकर 2 दिन पहले वह साथ लिविन में रहने वाली युवती के साथ एसपी के समक्ष पेश हुआ था और पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, मगर डिब्बी पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी और इस कारण बीती रात को युवती के परिजनों ने उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट की और युवती को किडनैप कर ले गए। युवक ने एसपी से युवती के परिजनों से अपनी जान का खतरा बताया और युवती को जल्द बरामद करने की मांग की। वहीं एसपी हनुमानगढ़ विकास ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, टिब्बी थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें 2 दिन पूर्व जो लड़का और लड़की दोनों हैं वो सहमति से एक लिविन रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट लेके आए थे, जिसके संबंध में जो उचित विधिक कार्रवाई है, जिसके अंतर्गत जो अपराधी गण होते हैं उनको पाबंद कराया जाता है इस तरह के माध्यम से, और वो कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा इनिशिएट कर दी गई है। कल रात को हमारे संज्ञान में ये मैटर आया कि जो लड़की है वो मूलतः हरियाणा से सिरसा की रहने वाली है, उसके परिजन लड़के के घर आए और लड़की को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए हैं। इस संबंध में जैसे ही आगे कोई शिकायत लड़की या लड़के पक्ष के से प्राप्त होगी उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। लोकसभा के चुनाव के बाद अब प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। आने वाले समय में प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार आचार संहिता हटने का इंतजार कर रही है। ब्यूरोक्रेसी के साथ कई विभागों के बड़े अधिकारियों में बदले जाने की भी संभावना नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन को 292 सीट मिली और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। वही विपक्ष इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की। पार्टियों की बात करें तो एनडीए की अगुवाई में बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उधर कांग्रेस 99 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी रही। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार बनने की कवायद तेज हो गई है। वही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। नतीजों के अगले ही दिन यानी आज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन सभी आला अधिकारियों की बैठक की, उन सभी अपर मुख्य सचिवों प्रमुख सचिवों को तलब किया। सीएम हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ शासन के बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यूरो के साथ बुलाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती का लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुस्लिम समाज बसपा का खास अंग रहा, लेकिन पिछले कई चुनावों और इस बार लोकसभा चुनाव में भी उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बसपा को ठीक से समझ नहीं पा रहे। अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। लोकसभा चुनाव के आए नतीजों के बाद जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर देश भर की नजरें हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर देश की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। अब हर किसी की निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हैं। बिहार में जेडीयू के स्ट्राइक रेट भाजपा से बेहतर है। चुनाव नतीजे आने के साथ ही नीतीश कुमार से मिलने जहां बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे, वहीं शरद पवार ने भी नीतीश कुमार से बात की। इधर इंडिया गुट नीतीश कुमार को अपने साथ लाने में जुट गया है।
आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सब पर रूबरू हूँ। शुक्रिया।